आपको यहाँ पे बैग्स। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने एंड इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग एंड दिस इज द नेक्स्ट डे और लेट्स सी ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलते हैं कि नहीं। दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव आवर ब्रेकफास्ट। सो गाइस, ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इंडियन ऑप्शंस थे बट उनका टेस्ट बहुत ज्यादा पैथेटिक था। तो कल से ब्रेकफास्ट तो हटवा ही देंगे रूम से बिकॉज ये 6,000 रुपए का ब्रेकफास्ट है और बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। हम लोग अब जा रहे हैं बाहर घूमने। इट्स 5:30 एंड बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सो 12:30 तो हुए हैं। 12:30 नहीं बोला। आई ये कॉन्फिडेंस। मैंने क्या बोला आप बताओ गाइस। 12:30 बोला मेरे हिसाब से तो मैंने। एंड दिस इज माय फुल लुक एंड आप ये लुक शॉर्ट्स पे दिख ही जाएगा। तो आई वांटेड कि जो मुझे कंफर्टेबल रहे अगर हम बारिश में भीग भी जाएं तो। सो लेट्स सी घूमा जाता है, कैसे घूमते हैं, क्या रहता है बारिश में। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद। गीले होने की इधर इधर भी बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस, तो अम्ब्रेला तो लेना ही पड़ेगा नहीं तो भीग जाएंगे। आ रहे हो क्या? सो अभी हम जा रहे हैं हाजी लेन, वहाँ पे एक बहुत फेमस बेकरी है। सो वी वॉन्टेड टू चेक दैट आउट। क्या आगे? हाँ है, है। सो वी वॉन्टेड टू चेक दैट आउट। वहाँ का आई गेस हॉट चॉकलेट बहुत फेमस है जो मार्शमैलो के साथ कुछ होता है। सो आई डोंट रिमेम्बर, तो हम वो देखने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? छोटा भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइज, दिस इज़ हाजी लेन एंड इस नैरो स्ट्रीट पे सिर्फ कैफेज ही कैफेज हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर पिक्चर्स भी आई यहाँ पर। सो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस एंड कुछ खाकर मत आना बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ है ट्राई करने को। सो गाइज, वी आर इन बुग्गी स्ट्रीट एंड ये यहाँ की चीप शॉपिंग काइंड ऑफ अ प्लेस है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आई मीन बैग्स, क्लोथ्स, फुटवेयर, फोन कवर्स, मतलब सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, और वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस पे। लाइक 10 to 12 SG dollar के बीच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, विच इज़ अराउंड 700-800 INR। तो मैंने तो यहाँ से कुछ चॉकलेट्स परचेज करी एंड कुछ सुवीनियर शॉपिंग भी करी जो कि आपको मेरी सिंगापुर शॉपिंग हॉल वीडियो में श्योरली दिखेगा। तो उसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पर पसंद नहीं आया, तो थोड़ी सी शॉपिंग की थी। जा रहे हैं गाइस सिंगापुर फ्लायर की तरफ एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इज दिस मार्केट। बुगीज अच्छी है अगर आपको शॉपिंग करनी है। मुझे करने का जूस नहीं पसंद, आपको पसंद है? तो ये वेंडिंग मशीन में निकल रहा है क्या? देखो इस पे क्या क्या है। यहाँ पे गाइस हर जगह वेंडिंग मशीन है, जैसे दिस इज शुगर केन जूस बट आई डोंट लाइक शुगर केन। आइसक्रीम्स भी है, मैंने दबाया है। सो हमने प्रेस कर दिया है, वहाँ पर ग्रीन लाइट आएगी तो तभी हम वॉक कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन क्रॉस क्योंकि वहाँ पर ग्रीन लाइट आ गई है। सी, इट्स दैट इजी एंड दैट सेफ। अभी हम आए सिंगापुर फ्लायर में एंड हम अभी उस पर जाएंगे ऊपर। अभी हम MRT के थ्रू आए हैं बुग्गीज से यहाँ सिंगापुर फ्लायर एंड काफ़ी इजी प्रोसेस था। भरे हुए हैं क्यूब्स, यहाँ से दिख रहा है कि क्यूब्स फिल्ड हैं। सो गाइज, हमने सिंगापुर फ्लायर की टिकट भी क्लूब से ही ली हुई है। सो हमने सारी मोस्टली टिकट जो भी हम जा रहे हैं कवर कर रहे हैं चीज़ें, सब हम टिकट्स ऑलरेडी बुक करके आए हैं ताकि हमें लाइन में लगना ना पड़े या एट द मोमेंट कोई ये ना हो कि अवेलेबल ही नहीं है स्लॉट। सो अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ से हमें जाना है। वहाँ से
यहाँ पे तो बहुत खाली लग रहा है सब कुछ. सो दैट्स मरीना बे सैंड होटल एंड दिस इज सिंगापुर फ्लायर. सो गाइस अभी हम जा रहे हैं टाइम कैप्सूल एंड सिंगापुर फ्लायर. And this is time capsule. Guys, time capsule is not worth it. अगर आपको खाली flyer की ticket मिलती है तो वही लो. But शायद time capsule साथ में ही होता है. उसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे history सा थोड़ा सा 5 मिनट का एक pathway बनाया हुआ है, उसमें थोड़े बहुत effects डाल के. ज़्यादा कुछ खास नहीं है फ्लायर में. अभी हम जा रहे हैं, सो लेट्स सी. अच्छा, जर्नी कंटिन्यूस. अभी और भी कुछ बाकी है टाइम कैप्सूल में. सो यार गाइस, बिल्कुल टाइम पास है. अब फ्लायर में जाएंगे तो देखते हैं कैसा है. फ्लायर 30 मिनट्स का होता है एंड वो पूरा एक राउंड लेता है 30 मिनट्स में. सो लेट्स सी ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है. दुबई में भी है ऐसा, लंदन में भी है, काफ़ी जगह पे है. बट आज तक हमने नहीं किया दुबई, हम गए थे तो हमारा मिस हो गया था. सो यहाँ फाइनली आज हम करेंगे. सो दिस इज़ द सिंगापुर फ्लायर. काफ़ी ज़्यादा स्लो है बंटी. थैंक यू. ये सो वी आर इन दिस कैप्सूल अलोन एंड 30 मिनट्स इन द एयर इन दिस सिंगल कैप्सूल. ये मजा आया. और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. अपन सबसे ऊपर है. गाइस, वी आर डन विद सिंगापुर फ्लायर एंड इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई वुड टेल यू, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हम दो ही थे उस ऑर्ड में एंड बहुत अच्छा लगा हमें. सो इट्स अ फर्स्ट विजिट प्लेस. सो मर्लिन पार्क आती मुझे दिखी है फ्रूट्स की स्टॉल जिसपे मैंने मिक्स फ्रूट समथिंग ऑर्डर किया और पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे मिला ये. इसमें फ्रूट्स तो नाम के ही है और कुछ अजीब सा पल्प है. बिल्कुल ही बेकार सा टेस्ट था, पैसा वेस्ट हो गया. सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं वो शेर और आधी मछली आधा शेर देखने. ये वाला मरलाइन कहते हैं, जिसे कहते हैं मरलाइन. मर मतलब मरमेड एंड लाइन मतलब लायन शेर. सो भीड़ देख रहे हो गाइज, कितनी ज्यादा भीड़ है. कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई. हल्की हल्की बारिश आ रही है, वेदर तो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है. हेलो गाइज, बाल धो लिए मैंने, गजब बेइज्जती है. गाइस देखो ये जगह याद करो जहाँ क्रिश जी आए थे, जंप मारा था, कूदे थे. पर इसे सिंगापुर में फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहते हैं. मस्त है ना. तो आज मेरे पति ने ठान लिए कि वो मुझे फ्री का स्टफ टॉय दिलवाएगा. सो ये देखो कितनी मेहनत की उसने. खैर फ्री का तो नहीं कहूंगी क्योंकि 10 SG डॉलर के तो उसने चिप्स ले ही लिए हैं. ये वाला तो नहीं मिला, देखते हैं पू मिलेगा क्या. मुझे पू चाहिए, मुझे पू चाहिए. गाइस दिस इज फ्रॉड, दिस इज कम्प्लीटली फ्रॉड. ऐसे पिक होने के बाद छोड़ देती है मशीन. अब मुझे खुद के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी. थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर. करो प्रेस. गाइस सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है.
टफ टॉय तो मिला नहीं, तो सोचा खाना ही खा लेते हैं। तो हमने खाया समोसा, पनीर की सब्जी, रोटी एंड ये जिसकी बॉटल कितनी सुंदर है। सो गाइज, हमारे इस होटल में ऑटोमेटिक बिडे है जिसके साथ आता है ये रिमोट टू कंट्रोल एवरीथिंग। सो आई फाउंड इट रियली वेरी कूल, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज आल्सो। एंड वन मोर थिंग जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमारे रूम में इज दिस बटलर स्टोरेज। लाइक बटलर इस विंडो को बाहर से एक्सेस करके कोई भी सामान यहाँ पर रख सकता है और ये हम रूम में से ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि वेटर अंदर आपके रूम पे ना आए तो वो बाहर से इस ड्रॉर में सामान रख देंगे एंड यू कैन टेक दैट फ्रॉम हियर व्हिच इज सो कूल। अगर इस रियल गाइस आज मेरे साथ।